बर्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। मार्च 2017 में नोएडा थाना क्षेत्र में एक युवक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसका लंबे समय तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन आज पाकिस्तान में इस युवक के पकड़े जाने की खबर आई है। पाकिस्तान ने दो युवकों को, देश विरोधी युवकों को पकड़ा हुआ है, जिसमें एक युवक मध्य प्रदेश के नोएडा दमोह जिले के नोएडा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। बारीलाल हमारा भाई है जो मानसिक रूप से कमजोर था। वो 2017 में घर से भाग गया। इसका इलाज वगैरह? इसका इलाज जबलपुर में करवाया। बारीलाल कौन है आपका? बेटा। कब से घुमा हुआ है? 3 साल हुआ बेटा। आप लोगों ने तलाश करने की कोशिश नहीं की? खूब करी है, कुछ नहीं बता गया, हम नहीं पता चला। रिपोर्ट वगैरह दर्ज कराई थी आप लोग? कराई थी बेटा। क्यों भागा? कुछ विवाद वगैरह था कि ऐसा? क्या बीमारी है? थी दिमाग की। अच्छा, मानसिक रूप से बीमार था। जानकारी आई थी तो जिसके आधार पे यहाँ पे हमें चेक करवाया तो पता चला थाना नोएडा में 2017 मार्च में बारीलाल पिता सुब्बी आदिवासी के नाम से गुमशुदगी दर्ज है, जो अभी तक लापता है। कौन सी गाँव? ये इसका गांव।